Hi guys, today I am showing you how to cut the video by using KineMaster. So शुरू से एंड तक इसको देखिए, आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहले आपको KineMaster ओपन कर लेना है जो मेरी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको जाना है एम्प्टी प्रोजेक्ट में आपको जाना है मीडिया ब्राउज़र में जाना है आपको, जो आपके वीडियो जो आपने बना के रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना के रखा है। तो चलिए यहाँ पे राइट साइड पे टैप करके इसको डन कर लेते हैं और इसको अभी दोस्तों हमारी पिक्चर यहाँ पे लोड हो चुकी है। अभी इसको राइट साइड पे ले लेते हैं और इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं आज आपको बताऊँगा। तो ध्यान से देखना, ये आपको क्या करना है, अभी वीडियो को प्ले करना है, जो भी वीडियो आपने लोड की है उसको प्ले करना है, जैसे मैंने कर ली। तो जहां से आपको वीडियो कट करनी है वो पार्ट जो है आपको सिलेक्ट करना है और एग्जिट एक बार पोज एंड प्ले करके आपको वेरीफाई करना है कि वही पार्ट पे आपको कट करना है। जैसे मैंने कर लिया कि मुझे यहाँ पे कट करना है, तो आपको क्या करना है, डबल टेप करना है आपकी ये इसके ऊपर, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको टेप करने पर राइट साइड पे एक विंडो रिफ्लेक्ट होगी जिस पे कैची का निशान बना हुआ एक साइन है, उस पर आपको क्लिक करना है जैसे मैंने कर लिया। अभी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड, मतलब कि आपकी जो स्क्रीन पे जो दिख रही है वीडियो जो आपने लोड की है, तो ये फर्स्ट वाला बटन प्रेस करने पे क्या होगा, वो आगे का पार्ट कट जाएगा जैसे मैंने कर दिया। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अंडू का एक बटन दिया हुआ है, वहाँ पे टेप करने पे वो वापस से आ जाएगी जो आपने कट किया था। तो आपको फिर ये जो ट्रिम है ना राइट साइड प्लेहेड, अगर वो आपको उस साइड का पीछे का पार्ट आपको कट करना है तो वो उसके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्ले किया, टेप किया, तो वो पीछे का पार्ट कट गया। हम अंडू वापस से कर लेते हैं, आ गया। दोस्तों गलती से अगर कोई पार्ट कट जाता है तो घबराइए नहीं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये देखिए, ये जो फ्लिकर हो रहा है ना वाइट बटन, ये अंडू का है। ये आपकी वीडियोज़ को जो कट गई है भूल से या तो आप बाई मिस्टेक, तो वो वीडियोज़ को वो जैसा था वैसी कंडीशन में वापस आपको दे देगा। तो ये इसकी कटिंग कैसे की जाती है, ये है मैंने आपको दिखाया। जैसे इस पर डबल टेप करने पर ये कैची का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करने पर ये लेफ्ट एंड राइट साइड का मैंने आपको बता दिया। अभी बताता हूँ सीन को स्प्लिट कैसे करना है। जैसे ये सीन को मुझे यहाँ से इतना स्प्लिट कर देना है, तो स्प्लिट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सीन स्प्लिट हो गया। देखो ये देखो, अभी स्प्लिट का बेनिफिट क्या है, सपोज़ कि आपको आगे का ये पार्ट आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, ये स्प्लिट का बेनिफिट है। या तो आपको पीछे का पार्ट डिलीट करना है तो वो डिलीट कर सकते हो, ये इसका है डिलीट। दोस्तों यहाँ से होता है, ये जो डिलीट का बटन देख रहे हो ना, ये यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो आपको डिलीट करना हो तो वहाँ से कर सकते हो। अभी स्प्लिट करने का एक दूसरा भी बेनिफिट है, आपने वीडियो को ब्रेक दिया तो इसके ऊपर चलो क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफ़ेक्ट आती है। तो 3D एनिमेशन, यानी ये दिखाता हूँ मैं कैसे होता है, इसको डन कर लिया। देखिए इसको डन कर लिया, अभी इसको प्ले करते हैं कैसे दिखता है, देखते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे इसकी एफेक्ट्स को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे 3D को आपको ऐसे रखना है तो ऐसे होगा, फिर इसको रखते हो तो ऐसे होगा, ये बाउंस होके आपकी वीडियो को प्रेजेंट करेगा, फिर चेक फ्लिप इसमें इस टाइप से होगा। इसको ज़रा चला के दिखा देता हूँ मैं,
अभी सपोज के ये जो मेरा वीडियो है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आगे का पार्ट। अभी ये दोस्तों वीडियो आपको हॉरिजेंटल में दिखाई दे रही, जबकि वर्टिकल में दिखाई दे रही है मूवी एग्जैक्टली हॉरिजेंटल। तो आपको इसमें ये भी कॉन्फ़िगरेशन है कि वीडियो को आपको टर्न कैसे करना है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं वापस से। वीडियो का ये जो बटन है ना, ये देखिए ध्यान से, ये वाला बटन, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ऐसा कर लीजिए। ये देखिए हॉरिजेंटल में आपकी वीडियो यहाँ पे हो चुकी है। अब इसको ऊपर राइट साइड पे टेप करके ओके कर लेते हैं। अभी इसको प्ले करते हैं। अभी मानो कि आपको हो रहा है कि कुछ बीच में कुछ ऐसा वर्डिंग है जो आपने बोल दिया और उसको डिलीट करना है, तो पर्टिकुलर वैसे भी कर सकते हो। सेम वही प्रोसीजर है जो मैंने आगे दिखाया। इस पे डबल क्लिक करके कैची पे आपको क्लिक करना है और स्प्लिट सीन पे क्लिक करना है आपको। सबसे पहले अगर बीच में लंबी वीडियो है, बीच में करना है तो स्प्लिट प्ले हाइट पे करना है। तो यहाँ से देखो, फिर इसको क्लिक करके इसको नॉर्मल कर रहा, ये हो गया। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, इसको वापस से सिलेक्ट करना है, प्ले करना है। अभी जो पार्ट सपोज़ के मुझे इतना नहीं चाहिए, तो इस पे जाने का, फिर यहाँ पे ट्रिम राइट साइड जो लिखा हुआ है ना, उस पे ट्रिम कर दो, तो वो उतना पार्ट आपका ट्रिम हो गया। ये ध्यान से देखना। और लास्ट में सपोज़ कि आपको लास्ट का वीडियो डिडक्ट करना है या तो कुछ करना है, इतना नहीं चाहिए आपको, तो वो लास्ट का सीधा यहाँ से हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें अगर आपने रिकॉर्डिंग की है और आपको लग रहा है कि इसमें जो वॉइस है वो वॉइस को निकालना है, तो वो भी निकाल सकते हो। आपको इस पे डबल टेप करके सिलेक्ट करना है, जो राइट में राइट साइड पे जो मेनू रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे आपको जाना है, ये इस बटन के ऊपर, सॉरी। ये कैची के ऊपर, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो, मतलब कि आप इस पे क्लिक करते ही आपका ऑडियो निकल जाएगा, और वो ऑडियो आपको नहीं चाहिए आपकी वीडियो में, तो इसको डिलीट कर दो। अभी प्ले करके देखो आप कहाँ गया। अभी इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए ये ऑडियो मैंने निकाल दी, मतलब कि आपने कहीं पे अगर शूट किया है, आपने कुकिंग शो बनाया है उसमें शूटिंग की, या तो आपने कोई कुछ चीज़ का आप डेमो दे रहे हो या तो बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा है, या तो आपको वो निकाल के आपको वापस से रिकॉर्डिंग करना है, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो और ऑडियो को अलग कर सकते हो आप। फिर इसमें ऑडियो आपको ज्वाइन करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे वॉइस का बटन ये जो दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है और इस पे स्टार्ट करना है। तो इस पे जो भी वीडियो चल रही है उसके साथ साथ में आप जो भी बोलोगे ना, वो सारा रिकॉर्डिंग होते जाएगा। जी जो भी स्पीच दोगे वो रिकॉर्डिंग होता जाएगा। अब इसको स्टॉप कर लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ ये कैसे अभी हो रहा है। तो अब जो भी रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर रहे हो ना, वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहेगी, और आपको जो जो वीडियो में चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको स्पीच देना है तो आप दे सकते हो। चलिए इसको स्टॉप कर लेते हैं, और ये कंपाइल करेगा इसमें। अब इसको प्ले करके देख लेते हैं।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में इसके ये वीडियो एडिटिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताऊंगा, तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि वो वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।